स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलेटिन का। भारत देश में आज 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर वाराणसी के राइफल क्लब के प्रांगण में जिलाधिकारी ऐशराज लिंगम ने झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर शहर में अलग अलग जगहों पर भारत माता की जय के साथ रैली निकाली। इसके बाद जिलाधिकारी ने मौजूद लोगों को संविधान की रक्षा और देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। पहले सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप जानते हैं, इस बार आजादी के अमृत महोत्सव का जैसे पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और उसकी कंटिन्यूएशन में इस साल माटी को नमन वीरों का वंदन इस थीम पे हम लोग हर गांव पंचायत में नगरीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम को बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं और हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रत्येक घर अधिष्ठान और इस सभी में ध्वजारोहण करा के भी हम सभी लोग इसको आज स्वतंत्रता दिवस को हम उत्साह के साथ इसको हम सब लोग मना रहे हैं। और इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट में जो एनटीपीसी टांडा विद्युत उत्पादन के साथ साथ अपने नैगमिक सामाजिक दायित्व द्वारा संपूर्ण योगदान दे रहा है। एनटीपीसी टांडा समाज में बड़े पैमाने पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए अपने संसाधनों का सदुपयोग कर रहा है। एनटीपीसी टांडा का उद्देश्य है कि हम सीएसआर के द्वारा क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दें और साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। देश भर में आजादी का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर उत्तर प्रदेश के मदरसों से भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। लखनऊ के दारुल उलूम फरंगी महल में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की सरपरस्ती में मदरसे के बच्चों ने झंडा फहराया और देश के प्रति मोहब्बत दर्शाते हुए तराने गुनगुनाए। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर थानों से लेकर पुलिस लाइन तक शान से तिरंगा लहराया गया। आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदन ने पुलिस लाइन में सुबह झंडारोहण किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ध्वजारोहण के बाद पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निभाने और बालिका सुरक्षा की शपथ दिलाई। समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को शासन और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। आज पुलिस लाइन के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमेशा की तरह आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात यहाँ पर हमारे साथी अधिकारी और कर्मचारी जिनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है उनको पुरस्कृत किया गया है। मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर मेरे सभी पुलिस परिवार के साथी, उनके परिवारजन, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के सभी निवासीगण, उनके परिवारीजन और जिन्होंने आज मेडल्स पाए हैं, प्रशस्ति पत्र पाए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के दिन हम अपने उन वीर सुपुतों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं उन सभी के प्रति उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आप सभी को पूरे देश में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गोंडा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मियों ने ध्वजारोहण किया। साथ ही देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। पुलिस कर्मियों का खुशी मनाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं और खूब पसंद किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के इस तरह जिंदा दिली से जश्न मनाने को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। पूरा भारत देश गर्मजोशी के साथ 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। श्रावस्ती में धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय में डीएम कृतिका शर्मा और सांसद ने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया।
उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचे। जनपद के राजस्व और पुलिस अधिकारियों से बात करके केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो इसके लिए निर्देश जारी किए। बाढ़ और सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को आवश्यक सुविधाएं और मुआवजा दिया गया, इसी के लिए निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में और प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की गई। जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी उनको नमन करना है, उनके श्रेष्ठ योगदान को सराहना है। तो 15 अगस्त संपूर्ण भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, सम्मान प्रतिष्ठा को महसूस करने का दिन है। भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, सावरकर जी, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम देश में हैं जिन्होंने भारत की माटी को, भारत की भूमि को, भारत की माता के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने शरीर का एक कतरा बहाकर हम सबको आजादी दी है। उनको नमन करने का दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारी पार्टी ने निश्चित किया है कि 15 अगस्त को घर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, शासन को, प्रशासन को, सबको कहा गया है कि आजादी का जश्न आजादी के स्वरूप में मनना चाहिए। 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा लहराएगा और तिरंगे की शान देखी है लोगों ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में। भारत का तिरंगा इतना सशक्त हुआ है, पहले से सशक्त था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस देश की सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन में फंसे लोग भारत का तिरंगा लेकर निकलते हैं तो तोपों की लाल झुक जाती। लालीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि वहां मौजूद लोग भी हैरान थे ये देखकर कि जो हुआ वो आखिर था क्या। ग्राम रघुनाथपुरा के एक युवक ने अजीबोगरीब हरकत करते हुए अपना सिर कटर मशीन से काटकर देवी मंदिर में चढ़ाने का प्रयत्न किया। परिजनों ने आनन फानन मिशन के युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के माहौल से आम जनता की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। करीब एक महीने से गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी तरफ रामगंगा का भी बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। रामगंगा नदी भी चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसे में हालात में जनता और आसपास के रहने वाले लोगों के दिल में डर की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि तमाम आश्वासन के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अब तक उनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई। कानपुर के सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ जिसके चलते अब सरकारी अस्पताल में होने वाले इलाज पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है मरीजों की जिंदगी बचाना, लेकिन ओरसला अस्पताल में गलत ऑपरेशन होने से महिला की मौत हो गई। दरअसल ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में पट्टी रह गई। जानकारी के मुताबिक महिला की हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया। घबराए परिजन आनन फानन में पीड़िता को निजी नर्सिंग होम ले गए जहां महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पी के मिश्रा ने ये ऑपरेशन किया था। उर्सला में 8 तारीख को मैंने वहां भर्ती किया गया तो वहां डॉक्टर साहब ने हमारी जांचें सब करवाई। उसके बाद में जांच करवाने के बाद में हमसे कहा कि इस पत्री है और इसका ऑपरेशन होगा, तो हमने उसका कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन करवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में हम पित्ता बाहर निकाल दिया। जब पित्ता बाहर निकाल दिया तो उसके बाद में हम जो है पूरे 6-7 दिन वहाँ रहे। उसके बाद में वहाँ से हमने 16 तारीख को छुट्टी करवा ली और 16 तारीख को छुट्टी करवाने के बाद थोड़े 2-4-8 दिन बाद फिर दर्द शुरू होने लगा। जब दर्द शुरू होने लगा तो फिर हमने दवाई खिला बाहर से। दवाई खिलाने के बाद में फिर कुछ आराम मिला, फिर हमको समझ में नहीं आया तो फिर हमने किसी डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि जो है इसमें मवाद भर गया है
और उसका मवाद निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको देखा तो मवाद निकलवा दिया। फिर ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। फिर हम जो है 8 तारीख को 8 अगस्त को अनुराग हॉस्पिटल गए। जब वहाँ गए तो वहाँ भी जाँचें वाँचे सब कुछ कराई। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने जो है सेंगर साहब ने MRI कराया। MRI में वो रिपोर्ट में आया कि इसके अंदर कुछ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र स्थित भगत सिंह स्कूल में समाज सेविका ममता अग्रवाल ने छात्रों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में दाखिला होने के बाद भी पढ़ाई न कर पा रहे छात्रों से और उनके परिजनों से बात करते हुए उन्हें विद्यालय आने के लिए कहा गया। इस तरह कई बच्चों को विद्यालय से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समाज सेविका ममता अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले अति गरीब क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सरकारी विद्यालयों से जुड़कर पहल की गई है। वहीं ममता अग्रवाल ने दर्जनों बच्चों को किताबें, स्कूल ड्रेस, जूते और खाने पीने का सामान वितरण किया और इन बच्चों की कामयाब होने तक की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने स्कूल प्रांगण में 500 पेड़ लगाने का अपना टारगेट भी स्कूल में वृक्षारोपण कर पूरा किया। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की शाखा मोतीनगर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले विद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य के नेतृत्व में एक प्रभात रैली निकाली गई। इसके बाद मुख्य अतिथि अग्रवाल शिक्षा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रगान गाया और विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें भारत की विविधता में एकता का संदेश दिया गया। यूपी के औरैया जनपद में आज 15 अगस्त के दिन राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ और हज दानिश आजाद अंसारी पहुंचे और NIC में ध्वजारोहण किया, जिसके उपरांत सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों की सच्ची हितैषी सिर्फ और सिर्फ BJP है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा और समझा है। आज जनपद के अवसर पर हम आए हैं और विधायक जी भी हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले के अध्यक्ष संगठन के लोग, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तमाम प्रशासनिक अधिकारियाँ मौजूद हैं और पूरे धूमधाम के साथ हमने देश के वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को मनाया। तमाम बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हम सब ने अपने वीर शहीदों को, सेनानियों को भी याद किया। देश एकजुटता रहे इस बात के लिए हम सब ने प्रण लिया, संकल्प लिया और समाज को एकजुट होकर विकास की तरफ आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प आज हम सभी हासिल लेके जा रहे हैं। कोई विपक्षी दलों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष आज मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, केंद्र की हमारी मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, प्रदेश और देश को के विकास के लिए काम किया है। इस बात से विपक्ष हैरान है, परेशान है, इसीलिए इस तरीके का बयान देके जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन जनता भी आज जागरूक है, समझदार है, वो जानती है कि विपक्ष के तमाम बयान केवल पॉलिटिकल स्टंट है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर। राजकीय बालिका गृह से 2 किशोरियों के भागने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं DM विशाख ने जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर मामला स्वरूपनगर स्थित इस राजकीय बालिका गृह का है। फरार दोनों किशोरियां कानपुर देहात से 31 जुलाई और 3 अगस्त को यहां लाई गई थीं। दोनों को किशोर न्याय बोर्ड कानपुर देहात के आदेश पर कानपुर भेजा गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ₹5,09,043 करोड़ रुपए हुई छत्तीसगढ़ की GDP। प्रति व्यक्ति आय भी ₹1,33,000 रुपए सालाना पर पहुंची। खेती के लाभकारी बनने से किसानों की संख्या भी दोगुनी होकर करीब 25 लाख हुई। समृद्धि का हो रहा विस्तार, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा लगातार। छत्तीसगढ़ ने बीते 4.5 साल में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 56,89,000 टन से बढ़कर
1,07,53,000 टन पर जा पहुंची। खेती को लाभकारी बनाने की योजनाओं से राज्य में किसानों की संख्या 12,60,000 से दोगुनी होकर 24,98,000 हो गई। समर्थन मूल्य की गारंटी वाले लघु वन उपज की संख्या भी 7 से बढ़कर 67 हो गई और इसकी खरीद भी 9 गुना बढ़ी। राज्य का जीडीपी भी 2,91,000 करोड़ से बढ़कर 5,09,043 करोड़ रुपए हो चुका है। खुशहाली का सबसे खास पैमाना यानी प्रति व्यक्ति आय भी 92,000 से बढ़कर 1,33,000 रुपए सालाना हो चुकी है। राज्य में घरेलू बिजली का कनेक्शन भी 25,23,000 से बढ़कर 42,16,000 हो गया। सार्वभौम पीडीएस के लाभार्थी जहां 72,71,000 से बढ़कर 2,55,00,000 हो गए, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पाने वाले अब 14,16,000 से बढ़कर 21,23,000 हो चुके हैं। तेंदू पत्ता संग्रह की मजदूरी भी 2,500 से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा हुई। शासन को जनता के और नजदीक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 और तहसीलों की तादाद को 150 से बढ़ाकर 233 किया गया। फायदे से ज्यादा छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलेटिन का। भारत देश में आज 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर वाराणसी के राइफल क्लब के प्रांगण में जिलाधिकारी ऐशराज लिंगम ने झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर शहर में अलग अलग जगहों पर भारत माता की जय के साथ रैली निकाली। इसके बाद जिलाधिकारी ने मौजूद लोगों को संविधान की रक्षा और देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। पहले सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप जानते हैं, इस बार आजादी के अमृत महोत्सव का जो पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और उसकी कंटिन्यूएशन में इस साल माटी को नमन वीरों का वंदन, इस थीम पे हम लोग हर गांव पंचायत में, नगरीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम को बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। और हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रत्येक घर, अधिष्ठान और इस सभी में ध्वजारोहण करा के भी हम सभी लोग इसको आज स्वतंत्रता दिवस को हम उत्साह के साथ इसको हम सब लोग मना रहे हैं। और इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट में जो एनटीपीसी टांडा विद्युत उत्पादन के साथ साथ अपने नैगमिक सामाजिक दायित्व द्वारा संपूर्ण योगदान दे रहा है। एनटीपीसी टांडा समाज में बड़े पैमाने पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए अपने संसाधनों का सदुपयोग कर रहा है। एनटीपीसी टांडा का उद्देश्य है कि हम सीएसआर के द्वारा क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दें और साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। देश भर में आजादी का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर उत्तर प्रदेश के मदरसों से भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की सरपरस्ती में मदरसे के बच्चों ने झंडा फहराया और देश के प्रति मोहब्बत दर्शाते हुए तराने गुनगुनाए। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर थानों से लेकर पुलिस लाइन तक शान से तिरंगा लहराया गया। आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदन ने पुलिस लाइन में सुबह झंडारोहण किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ध्वजारोहण के बाद पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निभाने और बालिका सुरक्षा की शपथ दिलाई। समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को शासन और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। आज पुलिस लाइन के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमेशा की तरह आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात यहाँ पर हमारे साथी अधिकारी और कर्मचारी जिनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है उनको पुरस्कृत किया गया है। मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर मेरे सभी पुलिस परिवार के साथी, उनके परिवारजन, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के सभी
निवासीगण, उनके परिवारीजन और जिन्होंने आज मेडल्स पाए हैं, प्रशस्ति पत्र पाए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के दिन हम अपने उन वीर सुपुतों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं उन सभी के प्रति उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आप सभी को पूरे देश में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गोंडा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मियों ने ध्वजारोहण किया। साथ ही देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। पुलिसकर्मियों का खुशी मनाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं और खूब पसंद किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के इस तरह जिंदा दिली से जश्न मनाने को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। पूरा भारत देश गर्मजोशी के साथ 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। श्रावस्ती में धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय में डीएम कृतिका शर्मा और सांसद ने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचे। जनपद के राजस्व और पुलिस अधिकारियों से बात करके केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो इसके लिए निर्देश जारी किए। बाढ़ और सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को आवश्यक सुविधाएं और मुआवजा दिया गया, इसी के लिए निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में और प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की गई। जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी उनको नमन करना है, उनके श्रेष्ठ योगदान को सराहना है, तो 15 अगस्त संपूर्ण भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, सम्मान प्रतिष्ठा को महसूस करने का दिन है। भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, सावरकर जी, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम देश में हैं जिन्होंने भारत की माटी को, भारत की भूमि को, भारत की माता के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने शरीर का एक कतरा बहाकर हम सबको आजादी दी है। हमको नमन करने का दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारी पार्टी ने निश्चित किया है कि 15 अगस्त को घर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, शासन को, प्रशासन को, सबको कहा गया है कि आजादी का जश्न आजादी के स्वरूप में मनना चाहिए। 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा लहराएगा और तिरंगे की शान देखी है लोगों ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में। भारत का तिरंगा इतना सशक्त हुआ है, पहले से सशक्त था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस देश की सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन में फंसे लोग भारत का तिरंगा लेकर निकलते हैं तो तोपों की लाल झुक जाती। लालीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि वहां मौजूद लोग भी हैरान थे ये देखकर कि जो हुआ वो आखिर था क्या। ग्राम रघुनाथपुरा के एक युवक ने अजीबोगरीब हरकत करते हुए अपना सिर कटर मशीन से काट कर देवी मंदिर में चढ़ाने का प्रयत्न किया। परिजनों ने आनन फानन मिशन के युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के माहौल से आम जनता की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। करीब एक महीने से गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी तरफ रामगंगा का भी बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। रामगंगा नदी भी चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसे में हालात में जनता और आसपास के रहने वाले लोगों के दिल में डर की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि तमाम आश्वासन के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अब तक उनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई।
कानपुर के सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते अब सरकारी अस्पताल में होने वाले इलाज पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है मरीजों की जिंदगी बचाना, लेकिन उर्सला अस्पताल में गलत ऑपरेशन होने से महिला की मौत हो गई। दरअसल ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में पट्टी रह गई। जानकारी के मुताबिक महिला की हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया। घबराए परिजन आनन फानन में पीड़िता को निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पीके मिश्रा ने ये ऑपरेशन किया था। उर्सला में 8 तारीख को मैंने वहां भर्ती किया गया, तो वहां डॉक्टर साहब ने हमारी जांचें वहां से सब करवाई। उसके बाद में जांच करवाने के बाद में हमसे कहा कि इस पत्री है और इसका ऑपरेशन होगा, तो हमने उसका कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में हम पित्ता बाहर निकाल दिया। जब पित्ता बाहर निकाल दिया तो उसके बाद में हम जो है पूरे 6-7 दिन वहाँ रहे। उसके बाद में वहाँ से हमने 16 तारीख को छुट्टी करवा ली, और 16 तारीख को छुट्टी करवाने के बाद थोड़े 2-4-8 दिन बाद फिर दर्द शुरू होने लगा। जब दर्द शुरू होने लगा तो फिर हमने दवाई खिलाया बाहर से। दवाई खिलाने के बाद में फिर कुछ आराम मिला, फिर हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हमने किसी डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि जो है इसमें मवाद भर गया है और इसका मवाद निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको देखा तो मवाद निकलवा दिया। फिर ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। फिर हम जो है 8 तारीख को 8 अगस्त को अनुराग हॉस्पिटल गए। जब वहाँ गए तो वहाँ भी जाँचें वहाँ से सब कुछ कराई। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने जो है सेंगर साहब ने MRI कराया। MRI में वो रिपोर्ट में आया कि इसके अंदर कुछ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र स्थित भगत सिंह स्कूल में समाज सेविका ममता अग्रवाल ने छात्रों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में दाखिला होने के बाद भी पढ़ाई न कर पा रहे छात्रों से और उनके परिजनों से बात करते हुए उन्हें विद्यालय आने के लिए कहा गया। इस तरह कई बच्चों को विद्यालय से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समाज सेविका ममता अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले अति गरीब क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सरकारी विद्यालयों से जुड़कर पहल की गई है। वहीं ममता अग्रवाल ने दर्जनों बच्चों को किताबें, स्कूल ड्रेस, जूते और खाने पीने का सामान वितरण किया और इन बच्चों की कामयाब होने तक की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने स्कूल प्रांगण में 500 पेड़ लगाने का अपना टारगेट भी स्कूल में वृक्षारोपण कर पूरा किया। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की शाखा मोतीनगर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले विद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य के नेतृत्व में एक प्रभात रैली निकाली गई। इसके बाद मुख्य अतिथि अग्रवाल शिक्षा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रगान गाया और विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें भारत की विविधता में एकता का संदेश दिया गया। यूपी के औरैया जनपद में आज 15 अगस्त के दिन राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ और हज दानिश आजाद अंसारी पहुंचे और NIC में ध्वजारोहण किया, जिसके उपरांत सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों की सच्ची हितैषी सिर्फ और सिर्फ BJP है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा और समझा है। आज जनपद के विधायक जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद थे और पूरे धूमधाम के साथ हमने देश के महापर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाया। तमाम बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हम सब ने अपने वीर शहीदों को, सेनानियों को भी याद किया। देश एकजुटता रहे इस बात के लिए हम सब ने प्रण लिया, संकल्प लिया और समाज को एकजुट होकर विकास की तरफ आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प आज हम सभी लेके जा रहे हैं। कोई विपक्षी दलों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष आज मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, केंद्र की हमारी मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, प्रदेश और देश को के विकास के लिए काम किया है। इस बात से विपक्ष हैरान है, परेशान है, इसीलिए इस तरीके का बयान देके जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन जनता भी आज जागरूक है, समझदार है, वो जानती है कि विपक्ष के तमाम बयान केवल पॉलिटिकल स्टंट है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है।
राजकीय बालिका गृह से दो किशोरियों के भागने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं डीएम विशाख ने जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर मामला स्वरूपनगर स्थित इस राजकीय बालिका गृह का है। फरार दोनों किशोरियां कानपुर देहात से 31 जुलाई और 3 अगस्त को यहां लाई गई थी। दोनों को किशोर न्याय बोर्ड कानपुर देहात के आदेश पर कानपुर भेजा गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।